से शुरू की गई एक पहल है ताकि ज्यादा वर्चुअल बोर्ड पर कृपया हमारे साथ बने रहिए। जागे तब शुभ आशीष, जय हो जय हो। धन्यवाद सर। अपना कीमती समय युवाओं निवेदन कि वो सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहे। रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में हम सब से संबोधित होंगे। वर्चुअल मोड पर वो नियुक्ति पत्र का आमंत्रण करेंगे। देश विदेश के प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र जैसे प्राचीन मंदिरों और आस्था केंद्रों के लिए सुप्रसिद्ध है। राज्य की प्रगति और यहाँ के निवासियों के जीवन में हमारे बीच माननीय एमपी लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी उपस्थित हो। प्रज्ञा मिश्रा, सद्दाम हुसैन ट्रेन मैनेजर गुड़गांव, धीरेन्द्र and from defense Aman Sharma, Abhinav Malhotra IT officer too, from MHA Suraj Sharma, isi ke sath I take this opportunity। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 71,000 से अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्य किया है। ये उनकी उस संकल्प का एक पड़ाव है जिनमें उन्होंने कहा था कि एक साल में हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे और आज उसमें इन नौकरियों में रेलवे में, पोस्टल में, एमएचए में, डिफेंस में, ग्रामीण बैंकों में, इस तरह आज 71,000 नौकरियों में इन इन क्षेत्रों में उनको नियुक्ति पत्र मिले। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो लोग आज सरकारी सेवाओं में नौजवान आ रहे हैं और अगले 25 साल जो इस देश के लिए अमृत काल है जिसमें सबने मिलकर 2047 में जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा तो तब हमारा देश दुनिया का विकसित देश बने उसके लिए अमृत काल में इन लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने इन सब युवाओं को आह्वान किया है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे समय में देश की सेवा करने का मौका मिला है जब देश अमृत काल में कार्य करेगा, देश को विकसित बनाने के लिए आपने कार्य करना है। तो इन युवाओं ने इन 25 अगले 25 साल में अपनी काबिलियत से, अपने कार्यों से देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति कराने में ये अपना अपना योगदान देने वाले हैं। यही आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और वैसे भी आप देखेंगे कि पिछले 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में
गति के साथ जो प्रगति की है उस सबको देखती हुई है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे वो रेलवे की स्पीड हो, रेलवे का रखरखाव हो, ये सब चीज़ें, चाहे वो आईआईटी कॉलेज हो, आईआईएम हो, एम्स जैसे हॉस्पिटल हो, जिसमें उन इन 9 सालों में डबल से भी ज़्यादा सारी चीज़ें हुई हैं। 6 लाख से अधिक गांवों को फाइबर केबल से जोड़ा गया है, मतलब हर तरह से देश आगे बढ़ा है। 10वें नंबर से आज भारत 5वें नंबर पर है, और आप देखेंगे कल ही आईएमएफ की जो जो कहना है, आईएमएफ का भी और दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबका ये कहना है कि आने वाले 5 साल में भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक हुआ, जिनमें अमेरिका, चाइना और भारत। और कल तो आईएमएफ ने ये अपना वो भी बतलाया है कि भारत की जीडीपी चाइना से ज़्यादा आगे है। तो ये देश इसलिए हो रहा है कि देश एक कुशल और सक्षम व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जिन्होंने पहले दिन से कहा था देश प्रथम, मैं जो कुछ करूँगा, मेरी सरकार जो कुछ करेगी वो देश के लिए करेगी, और इसीलिए उनकी सोच देश के लिए है। इसलिए हर वो कार्य मोदी जी वो फैसले ले रहे हैं जो देश हित में है, और वो कहते हैं कि ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत इस देश के 130 करोड़ लोगों की है, जिन्होंने मुझे ये फैसले लेने की क्लियर मेजोरिटी की सरकार ताकत दी, इसलिए मैं फैसले कर पा रहा हूँ। आज भारत किसी के दबाव में नहीं आता, आज रशिया से सबसे सस्ता तेल भारत ले रहा है, अमेरिका कोई दबाव नहीं बना सका भारत पे, क्योंकि मोदी जी ने पहले दिन कह दिया था हम किसी को आंख दिखाकर बात नहीं करेंगे, हम किसी के सामने आंख झुकाकर भी बात नहीं करेंगे, अगर भारत के हितों की बात आएगी तो हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। इसीलिए ये देश आगे बढ़ रहा है, क्यों आज भारत किसी के सामने झुककर नहीं, सीना तान कर बात करता है और देश इसमें फैसले लेता है। कृष्ण पाल जी।